विद्युत विभाग की घोर लापरवाही से लाइन मैन की हुई मौत। अयोध्या जनपद के सिविल लाइन स्थित कृष्णा पैलेस के सामने ट्रांसफार्मर ठीक करने चढ़े विद्युत संविदा कर्मी की विद्युत स्पर्श से हुई मौत। काफी मशक्कत के बाद तार से चिपके कर्मी को नीचे उतारा गया। लाइन मैन शिववंश की मौत का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। मृतक के पारिवारिक जनों का आरोप विद्युत विभाग के अधिकारी कर रहे लीपापोती, जबकि पारिवारिक जनों का कहना है कि मेरा बेटा शिववंश विगत 10 वर्षों से विद्युत विभाग में कार्यरत है और आज भी काम कर रहा था। मृतक के पिता ने कहा कि हम भी इसी विभाग में काम करते थे, अब मैं रिटायर हो चुका हूं। मेरा बेटा संविदा कर्मचारी था। इसी मुद्दे पर एसडीओ पंकज तिवारी ने कहा कि पिछले 3 माह से इसको निकाल दिया गया था। निकालने की वजह उन्होंने बताया कि इसको नशे की आदत थी, जबकि आपको बताते चले मृतक के जेब में कम्प्लेन स्लिप भी पाई गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लाख दावे करने पर विद्युत विभाग के अधिकारी के अपने ही संविदा कर्मचारियों से के जीवन से खेल खेल रहे हैं। देखने वाली बात होगी शासन प्रशासन से मृतक को क्या लाभ मिलता है। इसी कड़ी में 11 सदस्य जनवादी नौजवान सभा विद्युत विभाग की लापरवाही से मृतक संविदा कर्मी शिववंश के दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई व मृतक के परिवार को 25 लाख का मुआवजा देने की मांग, जनवादी नौजवान सभा का गैर सदस्य दल प्रतिनिधि मंडल कल जिलाधिकारी से मुलाकात करेगा। इसी संदर्भ में जब श्रम मंत्री से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि यदि पीड़ित परिवार मुझसे मिलेगा तो उसको उसका लाभ अवश्य दिलाया जाएगा। ये साहब हमारे लड़के हैं, 20-22 साल से ये काम कर रहे हैं बिजली विभाग में, और बिजली विभाग से फिर ये संविदा में है और संविदा से आज तक ये चल रहे हैं, और अब बता रहे सिट डाउन दिया, उनको सिट डाउन दिया गया है लेकिन सिट डाउन हुआ नहीं है। रिसीविंग है बिजली विभाग के लोग कह रहे हैं, उनका कहना है कि इनको 3 महीना पहले नशा बहुत करते थे, इनको निकाल दिया गया था। निकाल दिया फिर ये है कि रिसीविंग कैसे पाए गए, निकाल दिया गया था कैसे रिसीविंग कहीं बताइए। जब निकाल दिया गया तो कहाँ से कैसे पाए रिसीविंग, और सीढ़ी किसने लगाया, कैसे लगवाया सीढ़ी भाई, और सारे कोई सीढ़ी लगवाएगा। बिजली विभाग के अधिकारी लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, क्या मामला है? बिजली विभाग से चोर होता है, चोर है, वो चोरी कर रहा है, अपने को बचा रहा है, अपने नौकरी बचा रहे बिजली विभाग अपनी को, वो तो रामनरेश जी बहुत धन, वो बहुत दुष्ट आदमी है वो। हाँ, 420 आदमी है वो। अच्छा, इनका क्या नाम था जिनकी डेथ हुई है और आप उनके कौन हैं? हम उनके पिता हैं। क्या नाम था उनका? उनका नाम था लम्बू कहते, और ये कौन नाम होता हो, शिववंश। आप कौन पिता हैं? आपका क्या नाम है? श्यामलाल। कहाँ रहने वाले हैं? परसामपुर, गोपीनाथपुर, अयोध्या में काम करता था ये आदमी, और पिछले कई 2 महीने से 1.5 महीने पहले इनको निकाल दिया गया था क्योंकि एक ड्रिंक बहुत ज़्यादा करता था, तो निकाल दिया गया था। अब ये किस बेसिस पे, किस पर्पज़ से यहाँ आया ये नहीं पता चल पाया है अभी तक। अभी पूरी जानकारी इसकी ले रहे हैं, बिजली घर पे जाके बात कर रहे हैं क्या क्या मैटर था, क्यों यहाँ काम करने आया था, ये किस लिए आया था, क्योंकि हमने प्रिकॉशन के तौर पे ही 2-1.5 महीना पहले ही इनको निकाल दिया था यहाँ से, क्योंकि ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम इसकी थी। एक बार और ये यहाँ पे क्या नाम है, टीवी टावर के पास ये झटका खा चुका है करंट का, तो इसके इसी के देखते हुए निकाल दिया गया था इनको। लेकिन अब इसके बाद क्यों यहाँ पे आया, किस लिए आया था, इसकी भी पूरी जानकारी नहीं है, ये पता करके हम बताते हैं आपको। इसका नाम शिववंश नाम है, नहीं अभी ये हमारे यहाँ काम नहीं करता है प्रेजेंट टाइम, हमारे बिजली घर पे कार्यरत नहीं है ये, इसको 2 महीना पहले निकाल दिया गया था। तो शिववंश नाम है इसका, अब ये रहने वाला सुहावल का है। तो ये किसके कहने पे आ गया था? अब ये अभी नहीं नहीं इस लाइन मैन इसके साथ कोई नहीं थे, अभी प्रेजेंट टाइम में सब फ्यूज कटा था वहाँ पे, सीढ़ी एक हमारी खड़ी रहती है यहाँ पे, जो हमारा दूसरा बिजली घर छोटा बिजली घर है यहाँ पे हमेशा खड़ी रहती है कि इधर का काम करने के लिए। तो 2 आदमी गए थे, अभी हमने बात किया लाइन मैन से, 2 आदमी गए थे फ्यूज लेने के लिए, वहाँ पे फ्यूज कटा हुआ था, जस्ट सेक्शन बना हुआ है। सर ये तो लापरवाही है फिर, ये तो कोई भी सीढ़ी चढ़ सकता है? नहीं नहीं नहीं, कोई कैसे चढ़ सकता, सीढ़ी रखा हुआ हम अपने काम के लिए रखे हुए हैं। अब ये पहले काम करता था, अब अभी प्रेजेंट टाइम में ये काम नहीं करता था, अब क्यों ये चढ़ गया ये नहीं पता चल पा रहा है। इसकी विभागीय जांच होगी, 100% पूरी विभागीय जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा 100% उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसफार्मर चाहिए पब्लिक के लिए क्या? ये नहीं, ये जियो के लिए, ट्रांसफार्मर पब्लिक का नहीं है, पब्लिक के लिए, ये जियो का टावर है इसके लिए लगाया गया है। घटना हुई तो उस वक्त सप्लाई चल रही थी, उस टाइम पे तभी यही पता चला सप्लाई चल रही तभी ये घटना हुई है। आपका क्या नाम है? पंकज तिवारी, एसडीओ फेसबुक।
अयोध्या जनपद के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस पहुंचे श्रम मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह। भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह द्वारा माला पहनाकर किया गया स्वागत। श्रम एवं सेवायोजन की बैठक की गई, जिसमें कामगार मजदूरों को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई रणनीति। जनपद के चौक घंटाघर में लेबरों के अड्डे पर पहुंचेंगे श्रम विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, इनका करेंगे रजिस्ट्रेशन और पहुंचाएंगे लाभ। पत्रकारों से वार्ता करते हुए श्रम मंत्री ने कहा कि श्रम विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी कामगारों के पास जाकर उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिससे कामगारों को समय से लाभ मिल सके। देखिए, ग्रामीण के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और बढ़ती सरकारों ने इसके लिए कोई भी कोशिश नहीं की। मुझे 16 महीने हो गए बने हुए, और मैं 1,65,000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में चला हूं, हर जनपद में मंडल स्तर पर बैठक लेके जागरूकता अभियान के रूप में समस्त अधिकारियों को, पहले केवल हम विभाग की बैठक करते थे, अब सारी कार्यदायी संस्था हमारी आरईएसपी है, आवास विकास भी है, पीडब्ल्यूडी भी है, यानी सारे विभाग हैं, एक आध कोई विभाग छोड़ के, उनके द्वारा हमारे यहाँ 60 रुपए में रजिस्ट्रेशन, उनको समझाया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद मजदूर का मीटर चालू, और जब मजदूर का मीटर चालू हो जाएगा तो आपकी जिम्मेदारियां समाप्त हो जाएंगी। भगवान ना करे कोई मजदूर काम करते करते वो खत्म हो जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है, तो 25,000 रुपये तो हम अंत्येष्टि के लिए देते हैं, 5,00,000 रुपये उसको तत्काल देते हैं उसके परिवार के भरण पोषण के लिए। कोई मजदूर 18 से 40 साल का जो रजिस्ट्रेशन हम कराते हैं, उसके पुत्री होती है तो उसको 25,000 रुपये का एक बॉन्ड बना के देते हैं, 18 साल की वयस्क लड़की हो जाएगी तो 1,35,000 हो जाएगा, और 72,000 रुपये और देंगे जब वो शादी होगी। केवल रजिस्ट्रेशन कराने से आइडेंटिफाई कैसे हो मजदूर, ये विभाग का सोच, नहीं तो हर आदमी कह देगा मैं भी मजदूर। 50,000 रुपये तो हम बिगर रजिस्टर्ड मजदूर को भी दे सकते हैं सहारनपुर से, मैंने अभी अलीगढ़ में मजदूरों को दिया, एक एटा में दिया है, लेकिन आइडेंटिफाइड 4 लोग करते हैं कि ये मजदूर है, वास्तविक मजदूर है, नहीं तो लोग खड़े हो जाएंगे, बहुत लोग खड़े हो जाएंगे कि साहब 50,000 रुपये फ्री का मिल रहा है, यहाँ तो लोगों की आदत पड़ गई है ना फ्री का पाने की। तो हम वास्तविक मजदूर के लिए, अभी आदरणीय योगी जी ने 18 स्कूल सेंक्शन किए मजदूरों के लिए हर मंडल स्तर पर, सहारनपुर से लेके गोरखपुर तक 18 हमारे मंडल हैं, 18 स्कूल सेंक्शन किए, 6ठी से 12वीं तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहना, फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा श्रमिक के बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय की तरह। यदि वो विदेश में भी पढ़ना चाहेगा, ब्रिलियंट बच्चा है तो हम विदेश भी पढ़ाएंगे उसको, मेरा बोर्ड पढ़ाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगा, उसको कुछ भी नहीं करना, जब तक वो टेक्निकल दक्ष नहीं हो जाएगा तब तक हम उसको मुक्त नहीं करेंगे, और उसको रोजगार प्लेसमेंट जब तक नहीं हो जाएगा जब तक वो हमारा श्रमिक का बेटा रहेगा, और जब वो प्लेसमेंट हो जाएगा कमाने लगेगा तो हम कोई परेशानी, ये हमारी सरकार ने तय किया है। भारत में सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी की सोच है कि उत्तम प्रदेश कैसे बने, उत्तम प्रदेश तभी बनेगा जब हमारे श्रमिकों के बच्चों का भी उत्थान होगा,